अस्सलाम वालेकुम खवातीन हजरात, कैसे आप लोग? भाई आज हमारे साथ एक बहुत ही बैड सीन हुआ पंपिंग की टीम के साथ, और सीन ऐसा था कि जो कि कराची वालों के साथ अक्सर हो रहा है और इतना ज़्यादा बढ़ गया है, वो है स्नैचिंग। और इस महीने हमारे साथ कई बार ये सीन हुआ भाई। पहली बार तो ये कि दी इडियट्स, वो भी हम कहेंगे हमारे साथ हुआ, दी इडियट्स के साथ। सबसे पहले कराची वाइंस के साथ हुआ, उनकी गाड़ी में से इक्विपमेंट, उनका जो लाइटिंग का सामान जितना भी था वो सब चोरी हो गया, गाड़ी के शीशे तोड़ के बकायदा। अच्छा, उस पर इन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, सिर्फ स्टोरीज डाली थी इंस्टाग्राम पे, और इतना ज़्यादा इस न्यूज़ को इतना ज़्यादा हवा नहीं दी गई। फिर उसके बाद दी इडियट्स के साथ हुआ, दी इडियट्स शूट कर रहे थे बाहर, अपनी वीडियो शूट कर रहे थे, और सारा सामान वो आए और बस एक गन पॉइंट पे उनका लाखों का सामान, इक्विपमेंट, लाखों का सामान, सब कुछ ले गए। उसके बाद फिर मेरी बाइक का सीन हुआ, मैं घर के बाहर बाइक खड़ी करके अंदर गया हूँ, नमाज पढ़ी है, 15 मिनट बाद बाहर आया हूँ, बाइक चली गई, खत्म, रिपोर्ट लिखवा दी, सब कुछ लिखवा दिया। आज तक इस महीने हमारे अपने सेक्टर से जहाँ हम लोग रहते हैं, मेरे ख्याल से 5 से 6 केसेस हो चुके हैं, और बड़े बड़े हैप्पी न्यू ईयर। जो हमें पता है वो इस 2022 में इतने सारे केसेस हो चुके हैं, और आज की तारीख में जब हम वीडियो बना रहे हैं तो 3 दर्जन मोबाइल एक जगह से छीने, एक होटल से, और उसी वक्त उसी इलाके में हमारे साथ भी सीन हुआ, और कई और जगह से पता चला कि और जगह से भी सीन हुआ, उससे थोड़ा सा आगे भी हुआ, उधर फायरिंग भी हुई, उन्होंने गन मतलब दे नहीं रहे थे लड़के, तो गोली भी मारी, गोली भी मारी, दो फायर किए, फायरिंग भी हुई, वो तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। अच्छा, सीन ये हुआ था कि हम लोग बैठे हुए थे, खाने गए हुए थे। अब यहाँ पे कराची में मसला ये कि खाना भी अजाब, मेरी सबसे ज्यादा जो आज हटी थी ना वो ये थी कि हम लोग जब गए रेस्टोरेंट पे, हमने बोला भाई हमें अंदर बिठाओ, वो बोला नहीं सर पुलिस वालों ने अलाउ नहीं, पुलिस वालों ने मना किया, कोविड की वजह से पुलिस वालों ने मना किया, अलाउ नहीं है क्योंकि केसेस बढ़ चुके हैं। ओहो, हमने कहा चले बाहर बैठ जाते हैं। अब बाहर बैठ गए, हमारे वहमो गुमान में भी नहीं कि इस तरह का सीन होने वाला है। हम लोग बैठ के अपनी डिस्कशन कर रहे हैं, अचानक से एक बाइक पे दो बंदे बैठे हुए थे, उन्होंने बाइक रोकी है और पीछे वाला बंदा उतरा है, और उसने एक गन, बिल्कुल असली गन, वो शो भी कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, वो दिखा भी सकते हैं, वो आपके ऊपर तान भी सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, वो मार भी सकते हैं, वो मार भी सकते हैं भाई। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग कोई थाने से ज्यादा दूर नहीं थे, करीब ही हमारे थाना था, मैं नाम नहीं ले रहा, तो उसके करीब ही हम बैठे हुए थे, और वहां पर वो इतने, नाम क्यों नहीं ले रहे वो भी बता दे यार, नाम अगर लेंगे तो, क्योंकि आम शहरी पे ही सारा जोर चलता है। अभी जो है ना, कुछ अरसे पहले हम एक शूट कर रहे थे, तो अचानक से एक बंदा आया, तो वो कह रहा है कि मैं इस इदारे से हूँ, मैं इदारे का नाम भी नहीं लेता, मैं इस इदारे से हूँ, और जो है ना तुम लोग जो है ना क्या कर रहे हो, अब हमारे पास एक गन थी जो कि नकली थी, प्लास्टिक की छर्रे वाली, टूटा फूटा, वो उसका नीचे का हिस्सा भी टूटा फूटा था। तो हम लोग जो बच्चों की गन होती, जो कि बच्चे हम बचपन में ईद में जिससे खेलते थे, वही गन थी। तो हम लोग कह रहे हैं कि यार तुम लोग को शर्म नहीं आती, और गालियां दे रहे हैं बकायदा, गालियां दी, गंदी गंदी गालियां दी, गालियां जो आम तौर पे दी भी नहीं जाती, वो वाली गालियां। हमने कहा कि सर हम बकायदा, ऐसा लग रहा था कोर्स किया हुआ गालियों का, बिल्कुल। हमने बोला कि हम डिस्क्लेमर डालते हैं वीडियो में कि ये गन नकली है, हम सारी जितनी लीगल चीजें, वो डिस्क्लेमर तो उनको समझ नहीं आया, पहली बात वो समझ रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं इंग्लिश में, तो वो हमें धमकी दे रहा है कि तुम्हें लॉकअप में बंद करें, लॉकअप में बंद डालें, इतने प्यार से नहीं बोला था जितने प्यार से बता रहे, वो तो मैं तो अपने अंदाज से बता रहा हूँ। तो वो जो है ना हमारे ऊपर सारा जोर चलता है, तो वो स्नैचर हमारे पास आया, खैर उसने जो ना हमसे पहले चेयर पे कुछ लोग बैठे हुए थे, कुछ खवातीन भी थी, कुछ मर्द भी थे, उनसे मोबाइल छीनना शुरू किया, और लाखों रुपए के मोबाइल थे, आईफोन थे उनके, खवातीन के पास आईफोन था, आईफोन 12 प्रो मैक्स, वो कम से कम 2.5 लाख रुपए का मोबाइल, और लड़के के पास था 7 प्लस या 8 प्लस था, वो भी ले गया, मतलब 2.5 लाख ये और 70-80 हजार रुपए ये लगा ले, और 4-5 मोबाइल उसके हाथ में और थे, इतने सारे मैंने खुद अपने, तो समझे 4 लाख रुपए का, 4-4.5 लाख रुपए उसके पास सामान था पहले, फिर वो आया हमारे ऊपर। हम आम शहरियों का मसला ये है कि हमें यहाँ से भी गालियां सुननी पड़ती, सबसे पहले इबाद ने देखा और इबाद ने बोला कि भाई स्नैचर आ रहे हैं, हम लोग सारे खबरदार हो गए, ठीक है। तो हम लोग जो है, इबाद फौरन खड़ा हो गया, अब जैसे ही इबाद खड़ा हुआ वो गन दिखाकर इबाद को बोला कि बैठ जाओ, चीखने लगा, तो अब जो है इबाद वहां पे रुक गया, उसके हाथ में बैग था और बैग में भाई ये क्या, मैं बताता हूँ, ये अभी लिया है आईफोन 12 प्रो मैक्स, सही है। अब ये कमोबेश 2.5 लाख रुपए का मोबाइल है, इबाद ने कल ही लिया है, कल ही जब लिया था तुम्हारे अब्बा ने क्या, जब लिया मैंने। अच्छा, अब हमारे साथ मसला ये है, हमारे घर वालों के साथ और हमारे मुल्क का असल मसला भी है कि हम कोई चीज लेते हैं तो अब हमें खुशी नहीं होती, हम कोई अच्छी चीज लेते हैं, हम कोई महंगी चीज लेते हैं, अब हमें खुशी नहीं होती। वालिद साहब को मैंने बताया, वालिद साहब खुश होने के बजाय पता है मुझे क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं बेटा ये ले तो लिया, इतनी महंगी चीज ले तो ली है, लेकिन कोई आए तो मजामत नहीं करना, दे देना।
सही बात है। मैंने अभी नई बाइक ली थी तो हमारे घर में भी ये बोल रहे हैं कि भाई इसको अंदर खड़ी करना, मतलब इतना डर है, इतना डर है। अब हम कोई चीज खरीद भी नहीं सकते भाई, ये हमारी जरूरत की चीज है, ये हमने शशकों के लिए नहीं ली हुई। हक हलाल के पैसों से भी हम कुछ नहीं ले सकते, वो भी सेफ नहीं है। खैर स्टोरी पे वापस आते हैं कि इबाद भाई जो है वो जब खड़े हुए तो उसने रोका, इबाद भाई रुक गए। अब वो फहद के ऊपर आया, मेरे ऊपर आया। अच्छा अच्छा, अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग चूंकि इन चीजों से गुजरते रहते हैं और हमारे साथ कई वाकयात हो चुके हैं तो हम लोग को इतना हो चुका है कि हम किस तरह अपनी चीजों का बचाना है। तो मैंने जब देखा स्नैचर आया, जब उसने उधर स्नैचिंग शुरू की ना जब लड़कों से, तो मैंने मोबाइल निकाल के फौरन से चेयर के नीचे डाल दिया, ठीक है। और इबाद जो है उसने अपना ये जो पर्स था ये उठाकर ये शार्ट होने लगा। कौन सा है? हाँ ये नहीं दिखाना, नहीं है दिखाना, नहीं है। फिर उनको तो पता ही चल जाएगा, वो भी तो देखते होंगे अभी। हाँ। फिर देख रहे होंगे, फिर उनके जो है अच्छे जो पीछे वाले वो भी देखेंगे, इसको दादा इसको पकड़ो, इसके पास होता है कोई पर्स वर्स, उसको डांटेंगे ना, इसको लेकर इसको क्यों नहीं लेकर, उसको डांटेंगे। सही बात, सही है ना। तो अब वो फहद भाई पे, और फहद भाई के पास आकर उनको लात मारी, लाते तक मारी मुझे। फहद क्या हुआ फिर तुम्हारे साथ बताओ भाई? मुझे उसने आते ही मेरे ऊपर गन रखी सबसे पहले तो, और मतलब बाकायदा जोर से उसने लात मारी, मैं उसके बाद खड़ा गालियां भी दे रहा था, गालियां दे रहा था। मेरे जहन में 10 बातें चल रही थी कि अब मैं इसको हमला करूं या इसके ऊपर अटैक करूं, और मतलब या भाग लूं या कुछ। भाई लोग कह रहे हैं फहद को भागना नहीं चाहिए था, वीडियो में दे तो तुम भागे हो, तो भागे क्यों ये बताओ भाई? लोग 10 बातें करते हैं उस वक्त जो है ना, आपका जहन उस वक्त 10 मतलब उसमें कितने ख्याल आ रहे होते हैं, अपनी माँ का ख्याल, अपने बाप का ख्याल, जिसने इतना बड़ा नौजवान अट्टा कट्टा बना दिया। सबसे पहले तो मैंने ये मैंने सोचा कि अटैक किया जाए, ठीक है, क्योंकि हम पहले भी अटैक कर चुके हैं, तो हमने कहा अटैक करते हैं। लेकिन पहले हमने कब अटैक किया था? जब कुआरे थे, खून गरम था। अभी मैं कसम खा के कह रहा हूँ, जब मैंने अटैक का सोचा तो मेरे जहन में सबसे पहले अपनी बेटी की शक्ल आई। मैंने सोचा कि अगर अगर मुझे कुछ हो गया, मैं अटैक में करने लगा, तो मेरी बेटी जो 3-4 महीने का, उसका क्या होगा? अभी अभी रिसेंट जो वाक्य हुआ, 2 दिन पहले इसकी शादी हुई थी, गोली मार दी भाई, वो 4-5 दिन उसकी शादी, मुझे रोना आ रहा है मतलब ना ये बात करते हुए। तो अब हुआ ये कि खैर मैंने अपना मोबाइल बचाया, तो मैं डाकू के पास इसलिए गया कि मैं अपना मोबाइल जो है ना उसके पास खड़ा हो जाऊं ताकि वो देखे नहीं। हमें अपनी चीजों को ऐसे बचाना पड़ रहा है, मतलब अपने उसकी माँ के सामने, उसकी माँ के सामने उसको गोली मारी है। क्या करें? अच्छा मजे की बात ये, इन हालात में रहकर भी हम हंसा रहे लोगों को, और जो लोग लोगों को खुशियां दे रहे हैं उनके साथ ये हो रहा है कि आते हैं गोली मारते हैं और चले जाते हैं, और हम क्या है पीछे रोते रहे बैठ के। और भी मार देता उस वक्त, नहीं हमें भी कोई ऐसी, हम लोग, मैं बताऊं सच्ची बात, हम लोग सब ऐसे ही मरेंगे, कोई आएगा हमें गोली मारेगा और चला जाएगा। अच्छा सबसे बड़ी खुशकिस्मती हमारी, अगर अगर हम कह लें कि मैंने तो अपना मोबाइल नीचे फेंक दिया तो वो देख नहीं पाया, वो बच गया। फहद भाई जो है वो उन्होंने मैं बता रहा हूँ अपनी जान पे बहुत बड़ा रिस्क लेके भागे, हो सकता हमने इसको डाटा भी बाद में कैसे, भागना नहीं चाहिए भाई। देखिए मैं भागा, मेरे जहन में 10 बातें चल रही थी, बस अल्लाह ताला ने एक जहन में डाला यार बस निकल जाओ। लेकिन और मैं अगर, निकल गया। अगर अगर वो अपने आप को मतलब खतरा समझ के इस पे फायर करते था तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी मगर में बहुत सारी बातें। अब इबाद है, इबाद है, इबाद ने किस तरह अंदर एक रेस्टोरेंट के अंदर घुस के अपना अपनी चीजें बचाई। हाँ तो मतलब ये कि हमजा जो है हमारे साथ चौथा लड़का था, उसने अपना वॉलेट दे दिया, तो उसने क्या किया, उसको तो वॉलेट चाहिए नहीं, उसको बड़ी चीजें चाहिए भाई, उसको तो आईफोन चाहिए, उसने वॉलेट मुंह पे फेंक के मार, उसने वॉलेट मुंह पे फेंका और गंदी गंदी गालियां बाकायदा दी हैं और फेंक के बाकायदा चले गए। अच्छा जब जा रहे थे तो फहद जब भागता हुआ गया तो आगे उसको 2 स्नैचर और नजर आए। मैं बताता हूँ क्या हुआ, जब मैं भागता हुआ जा रहा था ना, मैं काफी स्पीड से भागा और मैं समझा कोई नहीं होगा आगे, मतलब मैं नॉर्मल तरीके से भागता हुआ जा रहा, और मैंने लोगों को बताया पीछे डकैती हुई है। जैसे ही मैंने पीछे एक बंदे को बताया ना, मेरी आंखों के सामने 2 लोग खड़े और दोनों के हाथ में पिस्टल, और दोनों ना मतलब मोबाइल लूट ले, और वो बाकायदा लूट रहे थे, और एक बंदे ने ना उसको मतलब हड़बड़ी में नहीं दे रहा ना, तो उसके बिल्कुल यहां गन चलाई उसने, 2 फायर की आवाज अपनी आंखों से देखा मैं। अच्छा जब फायर की आवाज आई ना तो मैं तो अंदर था, तो जैसी फायर की आवाज आई मेरी तो बिल्कुल मैं सुन, और जब जो वो लोग थे ना वो कुंडी खोलने की कोशिश कर रहे थे, मैंने बोला अभी मत खोलो, और मैं ये दिल में समझ रहा था कि भाई मेरे 2 भाई बाहर हैं, अल्लाह ना करे 2 फायर हुए थे वहां पे, किसको लगा हो? मैंने यही सोचा कि ना इन दोनों ने कुछ ना कुछ किया होगा, गड़बड़ी की होगी, और अल्लाह ना करे कुछ हो गया हो। मेरे दिमाग में 10 चीजें चली, मैं वहां सुन, मेरे पैरों के नीचे जमीन निकल गया, मैं 10 चीजें सोच रहा हूँ, वो लोग बोल रहे भाई आप कुंडी तो खोले। अच्छा बंदा ना कान लगा के सुन रहा आवाज, मैंने बोला कान नहीं लगाओ, ये अंदर आ गए तो इनके हाथ में गन है और असली गोलियां इसके अंदर, अगर वो यहीं से दरवाजे से गोली मार देगा तो ये आपके आर पार हो जाएगी। तो मैं साइड होके खड़ा हुआ, तो वो अंदर भी बोलने के यार इतना कैसे सोच रहे हो आप, मैंने बोला भाई सब कुछ दिमाग में चल रहा है, अभी मत जाना बाहर। फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने कुंडी खोली, वो खुद ही बाहर गए। सबसे मजे की बात आपको बताऊं कि वहां पर एक गार्ड भी खड़ा था, गार्ड भी खड़ा था, उसके पास गन भी थी, ठीक है। उसको जब जो लोगों ने जाके बोला कि भाई आप गन क्यों नहीं, अलाउ नहीं है, बोल रहे अलाउ नहीं है, हमारा कानून हमें इजाजत नहीं देता, हमारा कानून हमें इजाजत नहीं देता कि हम किसी को स्ट्रेट फायर मारें, हमारा कानून हमें डाकुओं के लिए इजाजत देता है कि गोली जिसको चाहे मारे, जिसको चाहे कतल करे, जिससे चाहे मोबाइल छीने, जिससे चाहे वारदात करे, लेकिन हमारे गार्ड्स
हमारे पुलिस वाले, हमारे रेंजर जो हैं, वो गोली नहीं चला सकते क्योंकि कानून नहीं है भाई, कानून नहीं है कि वो चोरों को स्ट्रेट फायर मारे। शहरी अगर अपने अपनी सेफ्टी के लिए गन रखना चाहे तो वो गन शो नहीं कर सकता, कानून नहीं है भाई, कानून नहीं है भाई, कानून। अगर आम आदमी जो है वो डाकू पे अटैक करना चाहे नहीं कर सकता, कानून नहीं है, कानून नहीं है। तो भाई इस माशरे का क्या करें, हम यूट्यूबर्स लाखों की तादाद में टैक्सेस दे रहे हैं गवर्नमेंट को, और किस बात के लिए दे रहे हैं, हमें क्या फायदा, मतलब हमें क्या फायदा, कद्दू का फायदा, एक रुपए का कोई फायदा नहीं, रुपए का फायदा नहीं है। हम मैं बता रहा हूँ आप लोगों, लाखों के इक्विपमेंट हम लेके निकलते हैं और अपनी जान पे रिस्क लेके निकलते हैं, सबको पता है, हमारे पास गिम्बल भी होते हैं, हमारे पास ड्रोन भी होते हैं, हमारे पास कैमरे भी होते हैं, सारे इक्विपमेंट होते हैं और लाखों रुपए के हैं ये चीजें, सारी लाखों रुपए की। और दूसरी बात ये कि हम लोग को एक लोकेशन पे नहीं जाना होता, हमें मुख्तलिफ लोकेशन पे जाना होता है, कभी कोई वीरान जगह भी है, अभी ट्रेन वाली जो सिचुएशन थी वो बिल्कुल वीरान जगह थी, वीरान जगह थी, वहां चर्सी घूम रहे थे सारे, वहां पे चर्सी भरे हुए, कोई कानून उनको पकड़ने के लिए तैयार नहीं है, बाकायदा उनको चर्स सप्लाई की जा रही है। आपको पता है ज्यादातर वो जो चोर डकैत आते हैं, चर्स पिए हुए होते हैं, शराबे पिए हुए होते हैं, वो आते हैं और नशे में होते हैं, उनको तो पता ही नहीं होता कौन सामने खड़ा है कौन नहीं है, वो बस डायरेक्ट गोली बस। और उनको बकायदा जिस जगह पे हम शूट कर रहे थे वहाँ पे चर्सी हम देख रहे हैं, इतने तादाद में भरे हुए, और ये तो हमें पता चला है, सबको पता है, सबको पता है, सिर्फ हमें नहीं पता। वहाँ पर कोई थाना नहीं है, वहाँ पर कोई इदारा नहीं है, वहाँ पर कोई क्या नहीं है, नहीं है क्या? अच्छा एक बात बताऊं, सच्ची बात बताऊं, जो जिम्मेदार इदारे हैं उनको सब पता है कि चोरों का ठिकाना किधर है, चोर कहाँ होते हैं, किधर होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, अभी किस वक्त किधर है, सब पता होता है इनको। अब क्या करें बताएं, जिम्मेदार इदारे अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे तो कौन निभाएगा भाई जिम्मेदारी, कौन है वो, कोई सुपरमैन आएगा, कोई स्पाइडरमैन आएगा जाले मारता हुआ, कौन है भाई, कोई तो होगा, कोई तो है। फिर ये जो देखने वाली आवाम है, एक तो ये आवाम इनके पास क्या है, कीबोर्ड है, अब तो और आसान हो गया, पहले तो कंप्यूटर खोल के कीबोर्ड से करना पड़ता था, अब ये आ गया है भाई, इससे यूं करा, अरे भाई भागे क्यों, भागना नहीं चाहिए था इनको तो, मारे फाद भाई आप तो इतने बड़े कराटे मास्टर हो, आप क्यों भाग गए, अबे तो क्या गोली खा लें तुम लोग एंटरटेनमेंट के लिए, घर वाले नहीं है क्या, फाद भाई सिर्फ इनकी एंटरटेनमेंट के लिए गोली खा लें हम, और फिर इनकी खबर आ जाएगी कि भाई ये तीनों गोली से मर गए, अल्लाह ना करे, और फिर उसके बाद भाई ये वीडियो देखेंगे, दो दिन रोएंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे, अल्लाह की कसम ये भूल जाएंगे। खैर भाई बस हम बोलते रहेंगे, करने वाले करते रहेंगे, जो जिम्मेदार इदारे वो कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, अगर हम सीसीटीवी फुटेज नहीं लगाते ना, वहां पर फेक स्टोरी बनाएंगे, फेक स्टोरी बनाएंगे, स्क्रिप्ट अच्छी लिखी थी, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट आ रही थी, बस खैर भाई सीसीटीवी भी आ गई, अब तो आप लोग की ख्वाहिश भी पूरी हो गई, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और कॉन्टेंट में, आप लोग भाई अपना ख्याल रखें, हमें छोड़ दें, अपना ख्याल रखें, चले भाई, चलो भाई अल्लाह हाफिज़।